So hi Aditi. Hi. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, everyone wants to know that how did you start your career? What was the tackles जो कुछ भी आए बीच में, कितना ज़्यादा आसान रहा ये जर्नी और कितनी मुश्किल रही? आसान तो बिल्कुल नहीं था. बहुत बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत रिजेक्शन्स फेस किए हैं. क्या है ना, मुझे हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट रहना था, ये मुझे फॉर श्योर पता था, पर कैसे करना है, क्या करना है, उसका कोई आइडिया ही नहीं था. बिकॉज मेरी फैमिली मेम्बर्स या जो भी भाई बहन है वो सब लोग, उन्होंने साइंस पढ़ा है, या तो डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं. सो देर वॉज नो रिलेशन टू एंटरटेनमेंट फील्ड. बट थैंकफुली जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है वो बहुत ही सपोर्टिव थे, तो मेरे मॉम डैड ने एक्चुअली मुझे पुश किया कि यू नो इसे डांस करने का शौक है और एक्टिंग का शौक लग रहा है, ड्रेसअप करने का शौक है, तो मे बी यू नो. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी ही ख्वाहिश थी जो उन्होंने यू नो मेरे थ्रू पूरी कर लिया है. ये मुझे अब पता चलता है, क्योंकि जब मेरे मॉम डैड मेरा शो देखते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए, तो यू नो आई फील लाइक इट वॉज लाइक देयर ड्रीम विच हैज़ कम ट्रू. एंड टू बिगिन विथ, आई रिमेंबर कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मॉम ना कभी कभी ऐसे अपने ऑफिस से लीव लेके, तो मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तब मेरी मॉम ऑफिस से कभी कभी छुट्टी ले लेती थी और मुझे ना ऑडिशन के लिए लेके जाती थी, और या फिर सेट पे, यू नो जब बड़े बड़े सेट्स पे, जैसे बालाजी के सेट पे भी ऑडिशन होते हैं, लुक टेस्ट होते हैं, तो चाइल्ड आर्टिस्ट के जैसे मेरी मॉम मुझे लेके जाती थी, और मुझे कुछ पता नहीं होता था कि क्या है, बट आई यूज़ टू जस्ट बी लाइक वाओ, इतना बड़ा सेट, ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहने लोगों ने, इतने सारे लोग, ओ माई गॉड. पर मुझे खुद को समझ नहीं आता था कि क्या करना है, आई यूज़ टू जस्ट बी लाइक लुकिंग अराउंड. एंड जैसे जैसे मैं स्कूल कॉलेज में गई, तभी मैंने डांसिंग का बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने शामक दावर स्टार्ट किया. एंड तब लगता था कि एटलीस्ट इस बहाने मैं टीवी पे आ जाऊंगी, यू नो, क्योंकि शामक दावर्स में क्या था कि एक स्पेशल पोटेंशियल बैच होता था जहाँ पे जो बेस्ट बच्चे होते वो सिलेक्ट होते एंड देन दे गेट अ चांस टू परफॉर्म फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स. तो जैसे मैंने 51st फिल्म फेयर अवार्ड में डांस किया था, ऐश्वर्या राय के पीछे, अभिषेक बच्चन के पीछे, इमरान हाशमी के पीछे, विल स्मिथ के पीछे, तो फॉर मी उस टाइम पे वो ही बहुत बड़ी चीज थी कि अरे अरे मम्मी देखो देखो मैं दिख रही हूँ, अरे अरे तो 2 मिनट के लिए दिख रही हूँ, ऐसा वाला सीन था. तो स्टार्ट तो डांसिंग से ही हुआ था. एंड इवन आफ्टर जब स्कूल की पढ़ाई भी जब मेरी खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि ऐसी कुछ पढ़ाई करूँ जिसमें मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के करीब रहूँ. तो इसीलिए मैंने मास मीडिया जो है मेरे 12th के बाद लिया था, जय हिंद कॉलेज से मैंने मास मीडिया किया है. और तभी भी वहाँ के टीचर्स नाराज़ होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं यही करती थी, मैं बाहर जाके एक्टिंग का कुछ कर रही हूँ, या फिर ऑडिशंस दे रही हूँ, या फिर कोरियोग्राफी कर रही हूँ. तो सबको पता था इन अ वे दैट यू नो आदिति को ये काम करना है ज़्यादा. सो दैट टाइम माई ओनली वे वॉज टू अंडरस्टैंड कि कैसे अंदर घुसना है. एंड मैंने सोचा चलो मॉडलिंग ट्राई करते हैं. तो मुझे याद है बचपन में भी मैंने ना एक, तब से आई थिंक ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, बचपन में ना हम एक रिलेटिव के घर पे गए थे एंड उसके उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारी बच्ची अभी पार्ट लेने वाली है, ये एक ब्यूटी पेजेंट है एंड उसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, एक राउंड होता है जिसमें टैलेंट राउंड होता है, उसमें से कुछ टैलेंट करके दिखाना है, एक राउंड है कैटवॉक, एक राउंड है क्वेश्चन आंसर्स, और इतने सारे लोग उसे देखने आने वाले, हमने ये प्रेप्स किए हैं, हमने ये कपड़े लिए, एंड वी वर जस्ट लाइक अच्छा. और घर जाके यू नो मैं और मेरे डैड एक दूसरे को देख रहे थे कि हम भी ले लें क्या इसमें पार्ट, कर लेते हैं हम भी. एंड वी वर लाइक ओके चलो. एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस हमने फोटोज भेज दिए, ऐसे ही वो यू नो कैसे वो फोटो स्टूडियो वाले फोटोज होते हैं बच्चे वाले, ऐसे ऐसे वो वाले फोटोज मैंने भेज दिए थे एंड आई वॉज सिलेक्टेड. तो हमने पार्ट लिया उसमें एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं जीत गई वो ब्यूटी पेजेंट. सो फॉर मी दैट टाइम इट वॉज लाइक क्या रश मिला मुझे जब मैं स्टेज पे थी, कैटवॉक कर रही थी, लोग मुझे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, दैट फीलिंग. एंड जब मैं डांस करती थी तो स्टेज पे डांस करने की फीलिंग, वो मैं उसके बाद ना कभी पीछे नहीं आ पाई. मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझे यही करना है लाइफ टाइम, तो मैं इसको कैसे करूँ, हैड बिकम लाइक माई एम.
एंड जैसे मैंने कहा ये ब्यूटी पैजेंट से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला था, तो जब मैं कॉलेज भी गई थी तो आई यूज टू फाइंड कि मैं और कौन से ब्यूटी पैजेंट में पार्ट ले सकती हूँ. मिस इंडिया तो था ही, बट मुझे लगता था कि मैं मिस इंडिया में पार्ट लेने का सोच भी नहीं सकती, मतलब शक्ल देखिए अपनी वैसा वाला, बिकॉज आई वॉज सच अ टॉम बॉय. आप बिलीव नहीं करोगे मैं बहुत टॉम बॉय थी, लाइक आई वॉज सो टैंड बिकॉज मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, तो फोर शेड्स डार्कर देन दिस, बाल ऐसे अजीब से घुंघराले, मेरे ये जो दो दांत आपको जो ऐसे एकदम अच्छे अच्छे लग रहे हैं अभी, वो ऐसे ना बड़े बनी रैबिट जैसे थे और आगे थे, बहुत लोग मुझे चिढ़ाते थे. तो टू टेल एनीवन दैट आई वांट टू बी अ मॉडल और एन एक्टर वाज अ स्टूपिडिटी, बिकॉज कोई हंस देगा मुझ पर. तो मैं किसी को बता ही नहीं सकी फॉर सो मेनी ईयर्स दैट आई वॉन्टेड टू डू दिस, मतलब वो अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है. सो एग्जैक्टली हाउ दिस स्टार्टेड, तो मैंने पहले मिस साउथ इंडिया ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया, आई गॉट फर्स्ट रनर अप. फिर उसके थ्रू ही मैंने मिस क्वीन ऑफ इंडिया में पार्ट लिया, अगेन आई गॉट फर्स्ट रनर अप. सो मुझे लगा कि ठीक है मुझ में कुछ है कि मैं कर पा रही हूँ ये. फिर मिस बंट वर्ल्ड जो हमारी कम्युनिटी का होता है उसमें भी मैंने पार्ट लिया, शिल्पा शेट्टी हैड क्राउन मी. सो ऑल दीज थिंग्स लेड टू मॉडलिंग एंड स्लोली स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो आई स्टार्ट आई नीड टू गो स्टार्ट मीटिंग पीपल. कहाँ होते हैं ये ऑडिशन? मैं बॉम्बे से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे से हूँ, पर कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ होता है ये सब. और मुझे याद है एक बार मैं गई थी महाड़ा जानकी देवी स्कूल में, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, मुझे एक फेसबुक ग्रुप से पता चला है, तू चल और तुझे मिल जाएगा. एंड दैट यू नो वो दोस्त टू थ्री फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु मोटिवेट यू इवन इफ यू हैव नथिंग, वो आपको बोलेंगे हाँ आप कर सकते हो, एंड दोज पीपल यू नो एक्चुअली हेल्प यू. तो मुझे मेरे फ्रेंड लेके गया था वहाँ पे एंड बोला कि चल ऑडिशन देते. मुझे याद है उस जगह पे एंटर करने से पहले ही ना उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सॉरी नॉट फिट. एंड मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ था उस टाइम, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट एवर ऑडिशन का अटेम्प्ट एंड राहिल भतीजा, उन्होंने मुझे बोला था नॉट फिट, मैंने बोला ये क्या है, मेरे को ट्राई तो करने दो. एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है बिकॉज उधर इतनी सारी लड़कियाँ थी, लाइक हज़ारों लड़कियाँ थी, तो मुझे भी एक ले लेते पर नहीं. तो तब से तो मैंने सोचा कि मतलब चांस ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ. बट वो जज्बा था कि और तो कुछ करना ही नहीं है, यही करना है, और कुछ पता ही नहीं है मुझे, मैं और क्या करूं. तो इसीलिए मैं वापस थोड़ा अपने आप पर काम करके, ग्रूम करके अपने आप को जाती रही. वहाँ पे फ्रेंडशिप किया मैंने बहुत लोगों से, नेटवर्किंग की कि कैसे होता है क्या होता है. वही राहिल भतीजा ने मुझे मेरा फर्स्ट ऐड भी दिया था उसके बाद. तो ऐसे ही छोटे छोटे एड्स में काम करके ना फिर इवेंचुअली थोड़े बड़े रोल्स मिलने लगे. जैसे अभी एड्स में भी क्या होता है, 30 सेकंड की तो ऐड होती है, उसमें फॉर अ फ्रेशर मुझे ऐसे मॉन्टाज मिलता था जिसमें ना बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां, और आप दिख रहे हो फॉर 5 सेकंड्स. तो दैट ऑल्सो यूज टू बी लाइक ओ माई गॉड मैंने ऐड किया है. और सब कुछ मतलब ये तो अभी भी होता है कि मेरा कोई काम होता है ना तो आ जाता है, तो मैं मॉम को भेजती हूँ, मॉम पूरी दुनिया को भेज देती है कि मेरी बेटी ने ये किया, लाइक दे आर माई बिगेस्ट पी आर आई मस्ट से, वेरी प्राउड ऑफ मी. सो जब मैंने बहुत सारे वैसे एड्स किए हैं जिसमें मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिख रही हूँ, 4 सेकंड के लिए दिख रही हूँ, पर उसके लिए भी हम सब लोग ऐसे टीवी के पास देख के बैठे थे, अदिति अब आएगी आगे आगे, अदिति अब आइए आगे आगे, वैसा वाला सिचुएशन था. एंड मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, वो कुछ ग्रुप जिन्होंने सोचा कि मैं हमेशा करूँगी. तो थ्रू मॉडलिंग आई स्टार्टेड, देन कम्स टू एड्स. एंड उसके बाद अभी लॉकडाउन में जब बहुत कम काम हो रहा था, यस आई हैव ऑल्सो डन इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल. एंड मुझे आज तक लोग इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की वजह से पहचानते रोड पे, यू नो दिल कम अपन लाइक आपको कहीं दिखाया, अरे आप अदिति इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में आप वही हो जिसके बाल कट गए थे, आप रो रहे थे. सो दे रिमेंबर मी एंड इट्स सो फनी बिकॉज इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल वॉज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मैं टीवी पे जैसे मैंने बोला ऑडिशंस में रिजेक्ट हो जाती थी, फिर टीवी पे यही सब दिखती थी कि कैसे करते क्या करते. तो अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, न्यूजीलैंड नेक्स्ट टॉप मॉडल, ये सब जब टीवी पे आता था मुझे लगता था वाओ काश ऐसा कुछ इंडिया में बने, काश ऐसा कुछ इंडिया में बने. और वैसा हुआ, इंडिया में इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की अनाउंसमेंट हुई ऑडिशंस के बारे में जब ऑनलाइन बज हुआ था, तो तभी मैं ये ना छोटे छोटे एड्स करती थी. तो कॉन्फिडेंस था मुझ में कि हाँ मैं कर लूँगी. मैं गई भी थी वहाँ पे ऑडिशन के लिए और मुझे कॉल आया था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ. और ये अभी मैं बोल रही हूँ बहुत कम, मतलब कोई नहीं जानता है कि मुझे पहले बोला गया था कि मैं सिलेक्ट हूँ, फिर मुझे वापस कॉल आ गया था कि सॉरी कुछ कन्फ्यूजन है आप सिलेक्टेड नहीं हो. तो मेरा अगेन बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया था एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब मुझे तो लगा था मैं ये करूँगी और उसके बाद जीत जाऊँगी, उसके बाद मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, सब लोग साइड हटो. बट वो नहीं हो पाया. एंड जस्ट बिफोर द शो वॉज गोइंग टू स्टार्ट, उसके एक
दिन पहले मतलब आफ्टरनून में मुझे कॉल आया था कि अच्छा किसी एक लड़की ने बैकआउट किया है और आप नेक्स्ट हो लिस्ट में, तो आप करना चाहोगी? एंड आई वॉज लाइक पता नहीं, मतलब मैं फिलर हूँ तो मैं नहीं करूँगी यार, मतलब मैं तो हार जाऊँगी ये वो. एंड माई डैड वॉज लाइक यू वॉन्टेड टू डू दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब आ गया है तो मना किसी भी चीज़ को हम नहीं करेंगे, जाओ सीखने वाला एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बेनिफिट होगा इसमें, तो करो. एंड या दैट्स हाउ आई वेंट फॉर इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल. एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप 5 तक भी आऊँगी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. एंड बहुत मज़ा आया, उसी में मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिला था. जब मैं इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल से बाहर आई, उसके बाद मुझे बड़े एड्स मिलने लग गए, एंड देन थोड़ा प्रमोशन हो गया मेरा लाइफ में.